मेरी आंटी शहर से बाहर गई हैं, ये कल से हमारे घर पर है। मगर तुम इसे स्कूल क्यों ले आई? लाना ही पड़ा, मेरी दादी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। मॉम को भी वहाँ जाना पड़ा, मुझे भी वहाँ जाना होगा। पापा भी बिजनेस के काम से फॉरेन चले गए हैं, मैं बेबी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती। ये बहुत अच्छा मौका है सामायू को खुश करने का। लो, मैं डोरा को संभालता हूँ। प्यारा प्यारा बच्चा, तुम इसका ध्यान रखोगे? अरे छोड़ो, ये तो बस समायो को दिखाने के लिए नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। ये तो छोटे बच्चे का दूध और जूस खुद ही छीन कर पी लेगा। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? हमारे यहाँ पर एक पूरी चाइल्ड केयर टीम है। चाइल्ड केयर टीम? और नहीं तो क्या, जानती हो मुझे और मेरे पापा को चाइल्ड केयर टीम ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, इसने सही कहा, ओबो चामा के घर काका है ना, वो इस बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मगर मैं इसे मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, इतना सोच क्यों रही हो? मैं उसे अच्छे से संभालूंगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो लो संभालो। समायो, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मालिक, मुझे फिक्र हो रही है, चामा बाबा और आप, सिर्फ आप दोनों ही रह जाएंगे। काका फिक्र मत कीजिए, आप सब साल में एक बार ही तो छुट्टी लेते हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। इतने दिनों के बाद मैं और मेरा बेटा खूब मस्ती करने वाले हैं। मुझे इसी बात का डर है मालिक। आपने कुछ कहा काका? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। चामा चामा चामा, ओ बच्चामा। वाह, इतनी सारी बसेस एक साथ। मुझे लगता है किसी कंपनी के लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, कितने लकी हैं। अरे तुमने वो देखा, उन बसों पर कछुए का निशान भी बना हुआ था। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज हमारे घर पर काम करने वाले सारे लोग छुट्टी पर जा रहे हैं, इसका मतलब चाइल्ड केयर टीम भी नहीं होगी। अब तो मैं फंस गया। क्या क्या कहा? एक बच्चे को संभालना होगा? चामा अच्छा है, कभी कभी ये काम कर लेना चाहिए। चामा आज घर पे तो कोई नहीं है, हमें ही संभालना पड़ेगा। हाँ पापा। हो, चुप हो जाओ, देखो कैसा मुंह बनाया है, रोना नहीं मेरी जान। चल केयर टीम फौरन यहाँ रिपोर्ट करो। पापा क्या भूल गए, आज घर पर हमारे अलावा कोई नहीं है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चामा मुझे किसी से कम मत समझना। पापा मुझे नहीं लगता आप इसे संभाल पाएंगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। चामा जब तुम छोटे बच्चे थे मैं ही तुम्हारे डायपर्स बदलता था और मैं ही तुम्हें नहलाता था। अब सबसे बेस्ट है। चोरा बीबी रो रहा है। रोना नहीं, राजा बेटा है ना, अच्छा बच्चा। अरे ये सारे पैसे ले लो मगर रोना बंद कर दो। अब मैं क्या करूं? ओहो लगता है इसने डायपर में सूसू कर दी है, हमें बदलना पड़ेगा। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, इसे कैसे खोलते हैं? ओके टोरा, अब हम डायपर बदलेंगे, फिर सब सूखा सूखा लगेगा है ना। गंदे बच्चे, सूसू कर दी। काका फौरन यहाँ आओ, इसका डायपर बदलो। पापा काका नहीं है। मैं फिर भूल गया। कैसे करूँ? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। चामा ये मुझसे नहीं होगा। पापा क्या आप सच कह रहे कि आपने मेरे डायपर बदले थे? आपको देख के तो मुझे नहीं लगता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं, पहले इसको ऐसे बांध के, फिर यहाँ से, और फिर मैंने कर दिया। देखिए पापा। चामा तुमने कमाल कर दिया, तुमने कहाँ से सीखा? तुम तो उस्ताद हो चामा। वो तो मैं हूँ पापा, वैसे इस डायपर को पहन के ना बहुत अच्छा लग रहा है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? समायो। हेलो चामा, बेबी टोरा ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने अभी अभी उसका डायपर चेंज कर दिया। चलो ठीक है फिर। क्या बेबी रो रहा है चामा? हाँ पता नहीं क्यों, हमने अभी उसका डायपर चेंज किया है। हाँ ठीक है, तो फिर उसे भूख।
बॉटल बैग में है, दूध बनाने का तरीका भी लिखा है, उसे पिला देना। अच्छा समझ गया पापा, मैं बैग ले आया, इसमें दूध है। अरे ये खुल नहीं रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं डिब्बा खोल के ही रहूंगा। ये लो। मैंने डिब्बा खोल दिया। ये तो कमाल हो गया। ये देखो मैंने दूध बनाया, बोतल में डाला, दूध रेडी। इसे जल्दी से टोरा बेबी को पिलाते हैं। नहीं रुको, उसे पिलाने से पहले हमें इसे चखना होगा। स्वाद तो अच्छा है, और पीना चाहिए। पापा मुझे भी टेस्ट करने दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? जामा, जामा, ये क्या किया? टोरा बेबी का दूध पी लिया तुमने। पता नहीं चामा घर पर क्या कर रहा होगा। अरे उसके घर चाइल्ड केयर टीम है, मेरे ख्याल से सब ठीक ही होगा। चामा के घर देखकर आता हूँ, वो मुझे खाना खिला देगा, मुझे और क्या चाहिए। पापा थोड़ा बेबी सो गया। हाँ क्यों नहीं सोएगा, मैंने उसका ख्याल जो रखा। अब आप शोर मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा। पापा आप आवाज क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई आवाज नहीं की। मैंने अपने दोनों कानों से सुना, आपने अभी अभी हवा छोड़ी। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम ही हवा छोड़ते हो और इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। आप ही ने छोड़ी है। जामा तुमने हवा छोड़ी और उंगली मेरी तरफ उठा रहे हो, ये बदतमीजी है। पापा बदतमीजी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जामा झूठ बोल रहे हो तुम। तो देखो तुमने चिल्लाकर टोरा को जगा दिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। चुप रहो। नहीं रहूँगा। हेलो कौन बोल रहा है? ओ जामा, बेबी टोरा क्या कर रहा है? जामा जल्दी आओ मेरी मदद करो। क्या हुआ बेबी टोरा को, कुछ हुआ है क्या? वो ठीक है ना? मायोजन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? लगता है चामा की यहाँ कुछ गड़बड़ है। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? हमारे सारे नौकर छुट्टी पर चले गए, मगर मुझे उन लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं नहीं गया और फौरन वापस आ गया। मालिक! ओबो चामा! टोरा बेबी! सब क्या हो रहा है? पता नहीं यहाँ कौन बेबी है और कौन देखभाल करने वाला। पापा बेबी टोरा सो गया पापा।